हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम की। तो देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कितने तरह की होती है, सारी चीज़ें तो हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि उसको कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को। सो उसको आप एक दूसरे ढंग से आप उसको ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ ग्रोथ, और आगे हम चल के यूज करेंगे बिग ओ नोटेशन। तो उसके बारे में भी आज हम आपको जानकारी देते हैं कि बिग ओ नोटेशन क्या होता है, बिग ओ नोटेशन। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हमने कहा कि सपोज एम इज एन एल्गोरिथम एंड सपोज एन इज द साइज ऑफ द इनपुट डाटा। हमने कहा कि एम जो है ये कोई एल्गोरिथम है, इफ दिस इज एन एल्गोरिथम, और एन क्या है, इनपुट डेटा का साइज, इनपुट डेटा साइज। ठीक है, तो क्लियरली क्या होगा कि द कॉम्प्लेक्सिटी एफ एन, कॉम्प्लेक्सिटी किसका फंक्शन होगा, इनपुट डाटा साइज का, ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो क्लियरली द कॉम्प्लेक्सिटी एफ एन ऑफ एम इंक्रीजेज एज एन इंक्रीजेस। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो एफ एन क्या है, ये है कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये इंक्रीज करेगी जैसे जैसे, ये इंक्रीज करेगी जैसे जैसे एन इंक्रीज होगा। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या होगा कि इट इज यूजली द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एफ एन दैट वी वॉन्ट टू एग्जामिन। यानी हमारे जो इंटरेस्ट का रहता है कि वो ये रहता है कि जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस रेट से बढ़ रही है या घट रही है। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एफ एम, ये हमारे मेन मतलब की चीज रहती है। एंड दिस इज यूजली डन बाई कंपेयरिंग एफ एन विथ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। तो अब हम क्या करते हैं, जनरली जो कॉम्प्लेक्सिटी है एल्गोरिथम की एफ एन को, तो एफ एन जनरली इस फॉर्म में दिखाया जाता है, लॉग टू के बेस पे एन, या हमने कहा केवल एन, या हमने दिखाया कि एन लॉग टू के बेस पे एन, फिर हमने कहा एन स्क्वायर, एन क्यूब, टू की पावर एन, इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई जाती है। तो द रेट ऑफ ग्रोथ फॉर दीज स्टैंडर्ड फंक्शंस, ठीक है, आर यूज्ड इन द एक्सप्रेसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। अब देखिए, इन अगर ये हम इस ये तो एन एन और आपका लॉग टू के बेस पे एन, इनकी अगर मान लीजिए एक वैल्यू के हिसाब से अगर हम एक टेबल बनाए, ठीक है ना, कि इनका रेट ऑफ ग्रोथ किस तरह होता है। तो मान लीजिए हम यही भी बनाते हैं, सपोज कीजिए ये लिया हमने, ठीक है, और इधर हम मान लीजिए एन की वजह से इधर हम लिखते हैं एन की वैल्यू, और यहाँ पे हमने कोई फंक्शन जी एन ले लिया, और जी एन क्या है, मान लीजिए हम चार पांच स्टैंडर्ड फंक्शन को लेके कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो पहला मान लीजिए हो गया आपका लॉग एन, वो लिखा हमने, दूसरा क्या है एन, तीसरा क्या है एन लॉग एन, चौथा हमने फंक्शन लिखा एन स्क्वायर, फिर पांचवा हो गया एन क्यूब, और छठा हो गया टू की पावर एन। अब मान लीजिए हमने कहा कि एन की वैल्यू हम ले लें से 5, फिर हमने ले लिया 10, फिर हमने ले लिया 100, और फिर हमने ले लिया 1000, ऐसे ही। ठीक, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं आपको उसको रेट ऑफ ग्रोथ दिखाने के लिए। अब हमें मालूम है कि जैसे लॉग एन है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे, और लॉग टू के बेस पे एन की, ठीक है, ये जैसे आएगा आपका, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, एन तो 5 रहेगा, फिर एन लॉग टू एन, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, एन स्क्वायर हो गया 25, एन क्यूब हो गया 125, टू की पावर एन हो जाएगा 32। ठीक, सिमिलरली अगर लॉग एन को हम 10 लेंगे, टू के बेस पर तो ये आ जाएगा 4, फिर ये हो गया 10, फिर ये हो जाएगा 40, 100, 1000, और टू की पावर 10 हो गया आपका 10 क्यूब, या इसको भी आप लिख सकते हैं
1000, ठीक है, 10 क्यूब। अब उसके बाद 100 अगर आप लेंगे इसकी तो वैल्यू आ जाएगी 7, इसकी आ जाएगी, अगर आप इसकी वैल्यू 100 लेंगे तो ये आएगा 7 और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 700, ये हो गया 10 की पावर 4, सिमिलरली ये हो गया 10 की पावर 6, ये हो गया 10 की पावर 30। ऐसी 1000 आप लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, यहाँ हो जाएगा आपका 1000 ही, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 4, ये हो गया आपका 10 की पावर 6, ये हो गया 10 की पावर 9 और ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 300। तो एक तरह से ये आप सिंपली आप ये लिख सकते हैं कि ये टेबल क्या शो कर रही है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन, ये जो हमने लिए हैं स्टैंडर्ड फंक्शन जिससे जनरली कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाते हैं, ठीक है, इन्हीं फंक्शन से दिखाते हैं। अब इसमें एक बात जो आपको ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि सपोज एफ एन एंड जी एन आर फंक्शन डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव इंटीजर्स विद द प्रॉपर्टी दैट एफ एन इज बाउंडेड बाई सम मल्टीपल ऑफ जी एन फॉर ऑलमोस्ट एन। अब ये जो हमने एन तो इनपुट डाटा साइज है और ये जी एन जो हमने फंक्शन लिया है, एल लॉग एन हो गया या एन हो गया या एन लॉग एन हो गया एंड सो ऑन। तो इसमें इसमें आपको क्या चीज ध्यान देने वाली है, इसमें ध्यान देने वाली है कि हमने कहा कि मान लीजिए एफ एन जो कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रहा है और जो जी एन अभी हमने टेबल में बनाया है, ये फंक्शन जो है दे आर डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव इंटीजर्स विद द प्रॉपर्टी दैट एफ एन इज बाउंडेड बाई सम मल्टीपल्स ऑफ जी एन फॉर ऑलमोस्ट एन ऑल एन। मतलब इसमें पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है ये डिफाइंड है किसके लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या, फर्स्ट चीज तो ये है, दूसरी चीज क्या है कि जो एफ एन है उसकी लिमिट बाउंडेड है किससे, बाउंडेड टू द मल्टीपल ऑफ जी एन, ठीक। ये दो चीज आपको, और लगभग फॉर ऑलमोस्ट ऑल वैल्यू ऑफ एन, फॉर ऑलमोस्ट ऑल एन, ठीक। मतलब क्या हुआ कि एन की किसी भी वैल्यू के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो एफ एन की वैल्यू आएगी वो जी एन का कोई ना कोई मल्टीपल होगी, दुगना हो गया, ये हो गया, 1/6 गुना हो गया, 6 गुना हो गया, ये मतलब इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ जी एन, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि सपोज देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन जीरो एंड ए पॉजिटिव नंबर एम सच दैट। अब हमने कहा कि लेट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, एक कोई पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया एन जीरो और कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया हमने एम सच दैट एन क्या है, जो इनपुट डाटा साइज है वो एन जीरो से बड़ा है, तो क्या होगा, मॉड ऑफ एफ एन जो होगा, जो कॉम्प्लेक्सिटी का मॉड होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है, ये बाउंडेड हो गया ना, एम ऑफ मॉड ऑफ जी एन के, मतलब वही जी एन का मल्टीपल होगा, जहां पे एम कोई नंबर है, कोई भी नंबर, दुगना हो गया, तिगना हो गया, 1/2 गुना हो गया, जो भी है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हेंस वी मे राइट, क्या लिख सकते हैं हम, एफ एन को हम लिख सकते हैं एफ एन इक्वल टू, ये हमने एक नोटेशन देखिए नया यूज कर रहे हैं, ओ कोई फंक्शन है, ओ ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है। इसको बोलते हैं ऐसे कि एफ एन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ जी एन, एफ एन इज और ऑफ ऑर्डर ऑफ जी एन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एनी पॉलिनोमियल पी एन ऑफ डिग्री एम, कोई अगर हम फॉर, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ये, आपको समझना पड़ेगा, फॉर एनी पॉलिनोमियल पी एन ऑफ डिग्री एम, ठीक है, तो क्या होगा कि पी
पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन की पावर एम। क्लियर? तो जैसे अगर मान लीजिए हमने कहा पॉलिनोमियल क्या है, 8n³ माइनस 576n² प्लस 832n माइनस 248, इसको हम लिख सकते हैं कि इसका ऑर्डर हो गया ऑर्डर ऑफ n³ इस तरह से। ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या है कि वी कैन ऑल्सो राइट, वी कैन ऑल्सो राइट एफ एन इक्वल टू हो जाएगा आपका एच ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, या व्हेन एफ एन माइनस एच एन इक्वल टू हो गया ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बिग ओ नोटेशन सिंस एफ एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन हैज एन एंटायरली डिफरेंट मीनिंग। तो इस एफ एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, इसको क्या कहते हैं, बिग ओ नोटेशन। ठीक। अब इसमें क्या होता है कि टू इंडिकेट द कन्वीनियंस ऑफ दिस नोटेशन वी गिव द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्टेन वेल नोन रिसर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। अब यहाँ पे हम कुछ सर्चिंग और यहाँ सॉर्टिंग एल्गोरिथम का हम आपको कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ नोटेशन में लिख दे रहे हैं, आगे ये काम आएगा। जैसे हमने कहा पहली एल्गोरिथम जो है हमारी, से हमने कहा लीनियर सर्च, जो अभी हमने एग्जाम्पल करा भी था पिछले लेक्चर्स में, लीनियर सर्च एल्गोरिथम है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ओ एन बिग ओ नोटेशन में। दूसरा हमने कहा कि बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ओ नोटेशन में लॉग एन। ठीक। थर्ड जो है हमारा वो क्या है, बबल शॉर्ट। थर्ड इज, ये सब एल्गोरिथम आगे हम लोग पढ़ेंगे, बबल शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक। चौथा हम ले लेते हैं मान लीजिए मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम, मर्ज शॉर्ट, तो मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ओ ऑफ एन लॉग एन। तो ये कुछ एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ नोटेशन में हमने आपको दे दी है, ये आगे काम आएगी, और आगे फिर जब आप डिजाइन एंड एल्गोरिथम वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे या पेपर पढ़ेंगे या जब भी आपके सिलेबस में आएगा इसको कॉम्प्लेक्सिटी को डिराइव करने का कि कैसे ये आई है, तो हम वो भी बता देंगे, अभी आप ये जान के चलिए क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी रेट, जिसको कहते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन एल्गोरिथम एंड बिग ओ नोटेशन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इस वीडियो के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।